इनके साथ तुम्हारा काफी गहरा कनेक्शन है, क्यों? ओ जिम जिम जिम, मुझे याद आते हैं वो दिन जब तुम कितने छोटे थे और अब तुम्हारा खुद का छोटा है। हाँ डैड, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कब बड़ा हो गया। वाओ, फिर तुम सिखाओगे उसे कैसे चलानी है अपनी हाथ गाड़ी, कहाँ और कैसे अपने सामान का ख्याल रखना है और इस्तेमाल करना है। ओके, राइट? देखो बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि एक बाप होने के नाते डैड, हाँ ठीक है ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। मैं जानता हूँ अभी वो सिर्फ दो साल का है। ठीक है, शायद तुम्हारे पास अभी टाइम है। हाँ मैं समझ गया, आप उसके छोटे छोटू। वैसे आप कैसे हैं डैड? मैं मजे में हूँ। अच्छा, मतलब मजे के लिए आप क्या करते हैं, फिल्म देखने जाते हैं? मैं और तुम्हारी मॉम अक्सर बहुत फिल्में देखते थे। जिम, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम हो। तुम्हें याद नहीं है ना कि मैं कौन हूँ? तुम मुझे ट्यूसडेज को कार्टून दिखाया करते थे। कैरा? नहीं, ओह माय गॉड, तुम क्या, तुम अब वो बच्ची नहीं रही। हाँ, अब ये बच्ची असली खिलौनों के साथ खेलती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सब इतना बड़ा बड़ी हो गई हो। जानती हूँ, एक्चुअली कल मेरा 18th बर्थडे है। 18? तुम्हें मेरे पार्टी में आना होगा। ओह थैंक यू, लेकिन शायद हो नहीं पाएगा। प्लीज, तुम आओगे तो बहुत मजा आएगा। कैरा, हमें जाना है। हाँ ठीक है, आ रही हूँ। क्या? मजाक कर रहा हूँ। या शायद नहीं। अरे सुनो, खूबसूरत हसीना के लिए गर्म कॉफी। थैंक्स। अगर थोड़ी क्रीम और चाहिए तो बताना। हेलो बेबी, कैसी हो तुम? ओ स्टेफ, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम जानते हो ना तुम बेस्ट हो। हाँ मैं तो बेस्ट हूँ। और तुम तो जानते हो ना मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, अभी बताऊँ? क्या कर रहे हो तुम? अरे सॉरी मिस्टर दूरस्वामी, मैं बस आपका टेबल साफ कर रहा था। हम तुमसे कहे थे कि सेल्स नंबर वाली फाइल बनाकर मेरे डेस्क पर रख देना और तुम यहाँ बैठ के मजा ले रहे हो। मैंने सोचा सोचने का पैसा नहीं देते हैं, तुम टेम्पररी हो। हाँ मुझे भी लग रहा है मेरे हुनर का यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ओ तो तुमको ऐसा लगता है? क्या लगता है बताने के लिए धन्यवाद। हम तुमको बताएं कि हमको कैसा लग रहा है। हमको लगता है कि जितना जल्दी तुम समझ जाओ कि तुम नौकर हो, मालिक नहीं, उतना ही बेहतर है तुम्हारे लिए। कमीना, कुछ कहे? कुछ नहीं मिस्टर दूरस्वामी। कमीना, मैं जानता नहीं कि तू कौन है, पर मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ। स्टाफलर, हमको ही नहीं पता था कि तुम दिन में गधे और रात में उल्लू का काम करते हो। ओ तेरी, इतना खास कह रहे, टीवी से मरने वाले हो का? नहीं नहीं, आप बोलिए मिस्टर दूरस्वामी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? देखो, हमारी एचआर टीम के बॉब को हार्ट अटैक आ गया है। कोई गधा उससे कहा कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया है, उतर गया। देखो, हमको कोई प्रेजेंटेशन पूरा करने के लिए चाहिए, तो तुम संडे को जाओ और सब कुछ तैयार करके आओ। बोलो। हाँ एक मिनट, संडे? उस दिन मेरा हाई स्कूल रियूनियन है। अरे वाह, बहुत मजा आएगा ना। ठीक है, हम चेयरमैन को फोन लगाता हूँ, कहता हूँ सब कैंसिल कर दो। सच में? फिर तो मजा आ जाएगा। अरे नहीं, हम मजाक कर रहा हूँ, लुक बच्चे पता नहीं कौन मूर्ख से पाला पड़ा। सुनो, हम खुद ही मैटर को देख लेंगे। नहीं, सुनिए मिस्टर दूरस्वामी, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ। कुछ उल्टा सीधा मत करना स्टाफलर। मेरा नाम स्टीफ। लड़कियों सुनो, वो चली गई। अरे जिम, क्या रहा? तुम आ गए। सॉरी, हैप्पी बर्थडे। ओह माय गॉड, क्या यही है वो बेबी सिटर? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं सुपर हीरो हूँ। रोते बच्चे को सुलाने वाला, बिना चड्डी निकाले डायपर पहनाने वाला। मैंने कहा था ना ये फनी है। हाय जिम, अपनी दोस्तों से नहीं मिला? नहीं। लड़कियों, ये है स्टीफलर। तो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड को कैसे जानती हो? जिम मेरा बेबी सिटर हुआ करता था। हे, मैं कुछ बर्थडे शॉट्स लेने वाली हूँ, क्या तुम लोग भी लेना चाहोगे? नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं पीता यार।